प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, INRI का अर्थ क्या है? क्या आपको ये शब्द दिखाई दे रहा है? जी हाँ, यीशु मसीह जब क्रूस पर थे उनके सर पर INRI कहकर लिखा हुआ है। आज मैं आपको INRI क्या है इसका विवरण मैं आपको देना चाहता हूँ और इसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है इस संदेश के द्वारा बताना चाहता हूँ। ध्यान से इस संदेश को सुनिए, क्योंकि यीशु मसीह की क्रूस के बारे में मनन करना बहुत जरूरी है ताकि हम उस क्रूस शक्ति पाकर परमेश्वर के विश्वास में मजबूत हो सके। INRI, इसे लैटिन भाषा में लिखा गया है। आई का मतलब है ईसस, एन का मतलब है नाजरेनस, आर का मतलब है रेक्स और आई का मतलब है यूदारियम। ईसस का मतलब है जीसस, नाजरेनस का मतलब है नजरेत, रक्स का मतलब है किंग और यूदारियम का मतलब है ज्यूस। इस शब्द को पूरा मिलाकर ऐसा लिखा गया है कि जीसस ऑफ नाजरेत किंग ऑफ ज्यूस। ये शब्द मत्ती सुसमाचार में लिखा है, उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यहाँ यहूदियों का राजा यीशु है। जी हाँ, INRI, जीसस ऑफ नाजरेत किंग ऑफ ज्यूस, यहूदियों का राजा यीशु है। ये दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि जहां यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए गए थे वो नगर के पास था और इस पत्र को इब्रानी, लैटिन और यूनानी भाषा में लिखा गया था। ये पत्र पिलातुस ने लिखने के लिए आज्ञा दिया था, लेकिन यहूदियों के महायाजकों ने आकर पिलातुस से कहा इस तरह मत कर, लेकिन पिलातुस ने कहा जो मैंने लिखा है वो लिख दिया है और इसे वापिस नहीं लिया जाता। यीशु मसीह क्रूसीकरण से पहले पिलातुस ने न्याय किया था। एक चोर और हत्यारा जिसका नाम बरब्बा था, उसके बदले में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। बरब्बा एक चोर था, एक हत्यारा था, लेकिन फसा का पर्व के समय यहूदियों ने बरब्बा को मांगा और यीशु मसीह को सजा देने के लिए विनती किया। उस बरब्बा के बदले में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ा। क्या आप जानते हैं बरब्बा कौन है? आज वो बरब्बा हम है। हम पाप के कारण अपनी खुद की इच्छाओं में जीकर परमेश्वर से दूर हटकर अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए घायल हुआ, हमारा दोष उसने उठाया। हम परमेश्वर से बहुत दूर जा रहे हैं, लेकिन क्रूस पर यीशु हमारे सभी मानव जाति पापों के लिए बलिदान हुआ। यीशु वास्तव में राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वहाँ हमारा राजा है। महायाजकों ने तो उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन जो शिलालेखा पर लिखा गया था वो आज सच बन गया है। सच में ही यीशु मसीह राजाओं का राजा है। कई लोग चर्चेस में देखते होंगे यीशु मसीह सलील पर लटका हुआ है और उसके सर के ऊपर INRI कहकर लिखा है। कई लोग इसका अर्ध नहीं जानते हैं, इसीलिए आपको मैं इस संदेश के द्वारा इसका अर्ध बताना चाहता हूँ कि वो जीसस ऑफ नाजरेत किंग ऑफ ज्यूस, यहूदियों का राजा यीशु है। यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों का राजा नहीं है, लेकिन संसार में हर एक व्यक्ति का प्रभु है, हर एक व्यक्ति का राजा है, वही सच्चा परमेश्वर के। परमेश्वर ने वचन में कहा था, मेरे बिना और कोई परमेश्वर नहीं है, आकाश पे हो, पृथ्वी पर हो, पृथ्वी के नीचे हो, जहाँ भी हो, मैं ही ने इस सारी सृष्टि को बनाया है। सारे मानव जाति पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हुआ। आज क्या आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपका सच्चा उद्धारकर्ता बने, तो आप प्रार्थना करके परमेश्वर से मेल मिलाप कीजिए। जरूर प्रभु आपको उद्धार देगा और प्रभु यीशु मसीह अपनी शक्ति से आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु की इच्छा हो तो और भी नए संदेशों के द्वारा आपके बीच में आऊँगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और समाधान आपके साथ बनी रहे। आमीन।